आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य कर दिया करें। चलें खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कई चैनल इसमें टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के पीछे पड़े हुए, रोज कोई न कोई विज्ञप्ति दे रहे हैं, रोज कोई न कोई विज्ञप्ति आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, फर्जी फेक न्यूज बता रहे हैं। ना तो कोई जो है ऐसा आदेश जारी होता है, ना अभी एग्जाम होने की स्थितियां हैं। वही लोग थे जो कि आपको बता रहे थे अक्टूबर में पेपर निश्चित हो जाएगा, और जब हम नवम्बर बताया करते थे तो रियल और फेंटेक न्यूज बताने वाले जो है हमारी बुराई भी करते थे। लेकिन हुआ वही, आप सभी लोगों को सत्य और तार्किक सूचनाएं लगता है अच्छी नहीं लगती हैं। आप सभी लोगों को चाहिए मसाला, आप सभी लोगों को चाहिए फेक न्यूज, परेशान करने वाली न्यूज, ठीक है। एक अट्रैक्टिव मजबूर करने वाला ऐसा थंबनेल जो कि आपको टच करने के लिए मजबूर कर दे। अपडेट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप कहेंगे रोज वही चीज तो बताते हैं, जबकि हम अपडेट देते हैं, जो हम काम करके आते हैं आप सभी लोगों के लिए उन सारी चीजों का अपडेट देते हैं कि हाँ कहाँ तक बात पहुंची है। और इसी का नतीजा है कि आपका आपकी समस्याएं जो हैं वो घर बैठे सॉल्व हो जाती हैं, ठीक। लेकिन फिर भी आप सभी लोग जो है मतलब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, अच्छी बात है, सोते रहो, एक ना एक दिन तो आप सभी लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाहिए था कि नहीं, ठीक। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं या खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं 97 2713 85 या 8318100619 पर। आप मैसेज करिए अपना एड्रेस वगैरह और आराम से जो है घर बैठे नोट्स प्राप्त कर लीजिए। पेमेंट तारीख को छोड़ करके 2 दिन के भीतर आपकी नोट्स की डिलीवरी आप तक हो जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी सदस्य वगैरह तो चयन बोर्ड में आने से रहे, ठीक। ये सदस्य आपके आएंगे मतलब किसी भी दिन किसी भी पल मुख्यमंत्री कार्यालय से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा हो सकती है या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त 9-10 मेंबरों का चयन प्रक्रिया की घोषणा हो सकती है, जिसके चांसेस 5% है, ओनली 5% चांसेस हैं, बाकी 95% चांसेस आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, ठीक है। तो जब तक आयोग गठित नहीं होगा, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो आयोग हो, तब तक ये चीजें आती रहेंगी। सेंटर की जानकारी मांगी, पदों की जानकारी मांगी, ये मांगा वो मांगा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं है। जो सूचना आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बता देता है वो सूचना अकाट्य होती है, भले ही कोई कितना भी लपेटा रहे, बाद में ढील वो उतना ही देगा और आ करके बाद में वही न्यूज को एक्सेप्ट करेगा जो हमने बताया। रियल और ऑथेंटिक न्यूज देने वाले बहुत सारे चैनल होते हैं जो कि सर्वप्रथम रियल और ऑथेंटिक न्यूज देते हैं आपको, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता है, क्योंकि घर की चार दीवारी में बैठ करके बेकार लोगों को क्या करना है, चार्ट वीडियो बना करके दिन भर में डालना है। लेकिन कार्य आप लोगों के लिए थोड़ी ना करना है। और एक चीज बताएं, आप सभी लोग इसी तरीके के चैनलों से सही भी रहते हो, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र आदि को ऐड कराने पर ये आंकड़ा जो है मतलब 50,000 के ऊपर क्रॉस करेगा। 50,000 क्या, अभी तक 10,000 भी कम्प्लीट नहीं हुआ। ये स्थितियां हैं, मतलब आपका कार्य हो गया, आप लोगों ने किनारा कर लिया। गिने चुने 5-10 लोग जो है मतलब अगर
शेयर करें या सब्सक्राइब कराएं चैनल को या प्रमोट करें चैनल को। और सब्सक्राइबर हमारे हैं 84,000, 83,000, 84,000, है ना। तो अगर सभी लोग शेयर करना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है इस चैनल को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोग इतिश्री कर लेते हो, है ना। तो ये चीजें गलत हैं। आप सभी लोगों को भी अपनी नैतिकता अपनाते हुए अपनी नैतिकता पूर्वक कार्यों को करना ही पड़ेगा, तभी हम आपके लिए कार्य कर पाएंगे। नहीं तो हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे। फिर जीवन का जो चक्र है ना आपके, वो जो है मतलब पूरी तरीके से तरम भरम हो जाएगा कि चाहे जितना चिल्ला लोगे कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, झेल जाएंगे आप, ठीक है ना। और वही चीजें अगर करनी हो तो बताओ, वो भी करके दिखा देते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज जो सीटें टीजीटी पीजीटी में ऐड हुई हैं वो सीटें सिर्फ मेरी वजह से ऐड हुई हैं, कोई सरोकार नहीं है इन सारी चीजों का। पद अगर आपके बढ़े हुए हैं, जीव विज्ञान इसमें अलग किया गया, जीव विज्ञान में 208 सीटें आई, गृह विज्ञान में सीटें बढ़ी, अंग्रेजी में बढ़ी, हिंदी में बढ़ी, संस्कृत में बढ़ी, है ना, शारीरिक शिक्षा में बढ़ी, कला में बढ़ी, उर्दू में बढ़ी, कॉमर्स में बढ़ी और आपके कृषि में बढ़ी, तो इसका परिणाम मैं ही हूँ। बहुत प्रयत्न किया है इन सारी चीजों के लिए, तब जाकर के आप सभी लोगों को विज्ञापन मिला। विज्ञापन मिलने के बाद तब जाकर के आप सभी लोगों की सीटें भी ऐड हुई हैं, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए, लगातार इस पर मैराथन बैठक चली है और जिस तरीके की इसमें एक्टिविटी माध्यमिक शिक्षा विभाग से लेकर के शासन स्तर तक दिखाई जा रही है, ये कंफर्म हो चुका है कि विज्ञापन इसका किसी भी दिन टपक सकता है। मतलब सीकर पक चुका है, थोड़ी सी हवा चली और टपाक से गिरा एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता। इसके साथ में आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी भी देखने के लिए मिलेगा, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने अक्टूबर से इस प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा है कि अब हुई तब हुई, अब नौकरी मिली तब मिली, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 130+ करने वाले विद्यार्थियों को एक किनारे किया जा रहा है, ठीक, एक किनारे किया जा रहा है। और 130 के नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी जो है मतलब एक अलग से लिस्ट बनाई जा रही है। जो 130 प्लस किए हैं उन विद्यार्थियों से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं या उनके ओएमआर की क्रॉस चेकिंग की जा सकती है, ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह मिटाया जा सके, ठीक। और रही बात इसकी संशोधित आंसर की जारी होने की, जो कि जारी हो चुकी है, और इसका संशोधित परिणाम जारी होने का, तो संशोधित परिणाम इसका आप सभी लोगों को 3 सितंबर तक देखने के लिए मिलेगा, 3 सितंबर, ठीक। तब तक आपका परिणाम भी आ जाएगा और जैसे ही परिणाम आएगा वैसे ही 5 सितंबर के भीतर आप लोगों की जिला आवंटन सूची आदि भी जारी हो जाएगी। मतलब इसके पहले भी हो सकता है या इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन 5 तक ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी जिला आवंटन सूची वगैरह आ गई। 7 तारीख से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है और 7 से लेकर के 12 तारीख तक जो है काउंसलिंग आदि की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। गवर्नमेंट ने यह निर्धारित किया है कि 15 सितंबर के पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो ये विज्ञापन जारी हुआ था इसका चैप्टर ये क्लोज कर दिया जाए। आप सभी लोगों को रियलिटी में बता दूं, जो एडेड जूनियर होता है इसका प्राइवेट मैनेजमेंट होता है और इसमें अपने चाचा को, भतीजे को, रिश्तेदार को, बहनोई को, बहन को, है ना, भाई को, भतीजे को, ऐसे ऐसे लोगों को जो है मतलब सम्मिलित कर रखा गया है। तो जाहिर सी बात है जब सम्मिलित ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि उनके घर के ही है, उनका घर का विद्यालय तो एडेड जूनियर हो गया, पैसा ले लेकर के भर्तियां कर दी हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर कैसे निकालें। तो प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, तो मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर कि इस भर्ती को लटकाए रखिए, लेकिन आदरणीय कोर्ट का इस पे आदेश है इसलिए ये भर्ती कंप्लीट हो करके रहेगी, ठीक है। और कहते नहीं है कि जब तक ठेला नहीं तब तक सुनन नहीं, तब ठेलना पड़ेगा, ये बिना धक्का दिए काम नहीं होगा,
लेकिन आप सभी लोग जब इस चैनल को लगातार शेयर करेंगे और ये चीजें हम देखेंगे तभी अब प्रयत्न आप सभी लोगों के लिए होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके फाइनल अपडेट जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी के कोर्स को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी इसी चीज के लिए पीछे है। बीटीसी वाले कहते हैं हम सर्वयोग्य हैं प्राथमिक के लिए, बीएड वाले कहते हैं हमारी भी योग्यता है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आ जाता है तो बातें वहीं पर रुक जाती हैं। आज भी वही चीज हो रहा है ना। तो प्रक्रियाएं जब तक इसकी फाइनल नहीं होंगी तब तक आप सभी लोगों को ना तो टेट देखने के लिए मिलेगा, ना सीटेट देखने के लिए मिलेगा, ना सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा। और मेरा जहां तक अनुमान है गवर्नमेंट इससे 2024 का इलेक्शन टारगेट कर रही है, मतलब इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को साल के अंत तक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यूपीटेट जो है इस साल के अंत तक फाइनल हो जाएगा, ठीक। विज्ञापन तो आपका 2022 का ही रहेगा, भले एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में कराएं कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को मैं एक और भी खुशखबरी दे दूं कि जिन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया थी आज गुलाब देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय गुलाब देवी जी, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई गणमान्य अधिकारियों का जो मैन मैन अधिकारी हैं उनसे ये इस बारे में डिस्कशन कर रही हैं, मीटिंग ले रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, है ना, और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकेगा। इसके साथ ही एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। लगभग 14 विद्यार्थी जो एसएसटी के हैं मतलब सामाजिक विज्ञान के, उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी, और 9 विद्यार्थी जो है आपके संस्कृत के उसकी एक वेटिंग लिस्ट आएगी, और 14 विद्यार्थी आपके अंग्रेजी विषय के हैं उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी, और गणित में 7 सदस्य हैं मतलब 7 स्टूडेंट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी, कंप्यूटर साइंस में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, और आपके संगीत में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, हिंदी में सर्वाधिक 16 विद्यार्थी हैं जिसकी वेटिंग लिस्ट आएगी एलटी ग्रेड की, ठीक है। और तैयारी वैयारी बढ़िया करते रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए तो 9721 41 13 85 या 8318100619 पर मैसेज करके घर बैठे अपना नोट्स टेट सीटेट सुपर टेट में 138 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, टीजीटी पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, एलटीजीआईसी में 120 प्लस क्वेश्चन करने के लिए आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स कोई नहीं दे सकता। यदि आप पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करिए, आपको निश्चित सफलता, कोई परसेंटाइल आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई नॉर्मलाइजेशन आपको परेशान नहीं कर सकता, आप निश्चित ही निश्चित 80-85-90 क्वेश्चन तक उससे आराम से कर ले जाएंगे। यदि आप सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट में 138 प्रश्न की गारंटी हम लेते हैं, जो मैटर मैं आपको दूंगा आप उतना ही पढ़ लो, और सिर्फ करंट वगैरह जो है मतलब जो लेटेस्ट का आएगा वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको बस उतना ही पढ़ना है, और सुपर टेट की गारंटी मैं लेता हूं अगर 138 प्रश्न से कम क्वेश्चन आ जाए मैं सोशल मीडिया का व्यवहार छोड़ दूंगा। आप सभी लोगों के लिए फील्ड में रह करके कार्य करता हूं इसलिए मुझे उस बात का अनुभव है, वो सारी चीजें हमें पता होती हैं कब कहां कैसे होगी, है ना, टेंशन नहीं है इस बात की, आराम से तैयारियों में लगे रहिए। बाकी चीजें हैं चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को प्रमोट करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए कार्य होता है, तो आप सभी लोगों को भी इस पे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही पड़ेगा। यदि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम भी चुपचाप एक जगह बैठ जाएंगे, तो फिर हो गया वही होगा, अध्याचन वापस जा रहा है, टू टीयर होने चल रहा है, एलटी ग्रेड में जो है मतलब जीएससी लेक्चरर में बीएड होने चल रहा है, 50% हो जाएगा आपका, परीक्षा जो है मतलब कभी भी करा सकते हैं, है ना, सारी चीजों में जो है गड़बड़ियां देखने के लिए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लगातार अधिकारियों के पास दौड़ने का कार्य केवल सार्थक करता है, बाकी कोई दिखता नहीं है, ना आपका कोई छात्र नेता दिख रहा है, ना तो वो इंसान दिख रहे हैं जो पैसे आपसे लेते थे और खा लेते थे
और ना ही वही इंसान दिख रहे हैं जो कि रियल और ऑथेंटिक न्यूज की का ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि उनकी न्यूज सबसे बकवास होती है। लेकिन आप सभी लोग ऐसे ही चैनलों को प्रमोट करना ज्यादा पसंद करते हो, है ना। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ताकत दिखाइए और इस चैनल को 10,000 ही बनाइए। क्यों? क्योंकि आपने जुलाई में ही वादा किया था, जब समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र आदि का मैटर सॉल्व किया था मैंने, तभी आप सभी लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया था ये चैनल 50,000 ही बन जाएगा 31 अगस्त तक। अगस्त ये बिकने को है, लेकिन आप सभी लोगों का कोई कार्य हुआ, अभी तक 10,000 नहीं पहुंचा पाया। मतलब समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र वाले बहुत ही स्वार्थी निकले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि दूसरे दूसरे चैनलों पर नोट्स आप बुक करोगे, है ना, और जब कोई चीजें गड़बड़ होती है तो आप सार्थक सर, सार्थक भैया, ये चीजें ऐसी हो गई, मतलब परेशानी की समस्या का समाधान करने के लिए सार्थक भैया, और नोट्स लेने के लिए दूसरा चैनल, व्यू देने के लिए दूसरा चैनल, सब्सक्राइब करने के लिए दूसरा चैनल, शेयर करने के लिए दूसरा चैनल। आप सभी लोगों को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ना आप सभी लोगों के रियल टाइम तक काम करता हूँ, और जो अपडेट मैं रोज देता हूँ आप लोगों को, वो मेरा खुद का प्रयत्न होता है कि क्या अधिकारियों से बात हुई है, क्या चीजें चल रही हैं, कब तक ये चीजें हो जाने की संभावना है। भले ही कोई कितना भी चिल्ला ले, लेकिन बाद में जा करके वो अटकता हमारी ही न्यूज पे है, उसी न्यूज पे आता है। भले ही सेंटरों के निर्धारण की अभी फिर से विज्ञप्ति जारी कराया हो कोई ना कोई, लेकिन आपको मैं बता दूं, परीक्षा आपकी नवंबर लास्ट या दिसंबर के पहले नहीं होगी। परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए अभी अपन के पास कितना टाइम है? पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, अभी हमारे पास लगभग 90 दिन का समय है। 90 दिन में तो हम आपको वो ब्रह्मास्त्र वाली तैयारी करा दें कि टीजीटी पीजीटी में छा जाओगे, एलटीजीआईसी में छा जाओगे, टेट सीटेट सुपर टेट में छा जाओगे, प्रारंभिक अर्थात परीक्षा में मारोगे एक कदम आगे निकल के सिक्स, लेकिन करोगे तब ना। 97 41 13 85 या 8318100619 इस पे आप नोट्स आज बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।